स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही जम्मू कश्मीर में सेना ने चौकसी बढ़ा दी। हाल ही में हुए ड्रोन हमलों और आतंकी साजिश के अलर्ट को देखते हुए इस बार सेना ज्यादा सतर्क दिखाई पड़ी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसकी एक तस्वीर श्रीनगर से सामने आई, जहां किसी भी तरह की हलचल पर नजर रखने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की मॉक ड्रिल हुई, जिसमें कई आधुनिक तकनीक और कैमरों से लैस ड्रोन आसमान में मंडराते दिखे। बताया गया कि काले और सफेद रंग के ड्रोन श्रीनगर के बाजार, स्टेडियम और बाकी इलाकों पर नजर रखेंगे। जो भी बैड एलिमेंट हो, गलत नीयत से इधर आएगा, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और हम बर वक्त कार्रवाई करेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मेढर से भी सामने आई। वहां सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी दिखा। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी टुकड़ी ने पैदल मार्च करके तमाम संदिग्ध जगहों का मुआयना किया। सेना ने नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग का अभियान भी चलाया। शहर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों के ड्राइवरों के पहचान पत्र चेक किए गए, साथ ही उनकी कारों की अच्छे तरीके से तलाशी ली गई। मेढर में कुछ दिन पहले नाकाम हुई आतंकी साजिश को देखते हुए बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कुछ चेक पोस्ट भी बनाए गए, ताकि किसी भी अनहोनी में तुरंत एक्शन लिया जा सके। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को बचाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट हैं। ये सारी कवायद आने वाली 15 तारीख को देखते हुए की गई, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की तरफ से खतरे का अलर्ट जारी किया गया। लिहाजा सेना हो या पुलिस, कोई भी सुरक्षा में कसर नहीं छोड़ना चाहती। उनकी ओर से चलाए गए सर्च ऑपरेशन में कई जगह कामयाबी भी हाथ लगी, जिसमें अनंतनाग इलाके में मारी गई ये रेड भी शामिल बताई गई। वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे दो तस्कर चढ़ गए। जंगल के बीच बड़ी चालाकी से छिपाई गई ड्रग्स की खेप को पुलिस ने जब्त कर लिया। जमीन के नीचे एक कमरे नुमा जगह पर भारी मात्रा में ड्रग्स छिपाए गए थे, जहां पुलिस ने धावा बोला और एक एक करके 5 बोरियों में भरे ड्रग्स बरामद कर लिए। जवानों को दूसरी कामयाबी कुपवाड़ा इलाके में भी मिली। वहां सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, जिसमें 10 से ज्यादा ग्रेनेड, पिस्तौल और 50 से ज्यादा कारतूस उनके हाथ लगे। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल के जवानों को पूरे साल 24 घंटे चौकन्ना ही रहना पड़ता, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर चौकसी में रत्ती भर भी चूक की गुंजाइश नहीं रखी जाती। और इस बार तो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हमले की आशंका भी है, इसलिए सेना और सुरक्षा बल के जवान शहरों और कस्बों के साथ LOC पर भी निगरानी में जुटे हैं।